तो यह बात है, अपने पुण्य से जो मिला वो अपने पुण्य से ही मिलेगा, दूसरों का हमारे लिए नहीं, हमारा दूसरों के लिए नहीं होगा, इसको आप भूल जाते हैं, इसलिए तो ऐसा हो रहा है। हम तो भारतवासी हैं, इसलिए हमारा सब उद्धार तो बहुत निश्चित है। आओ, ऐसा कुछ नहीं है। रावण विद्यालय कानून में जन्म लेकर के भी विद्या तो सिद्ध करता रहा, लेकिन केवल ज्ञान को भी तो विद्या कहा है ना, उसको वह नहीं कर पाया। तो कब करेगा? कहीं भी जन्म लो, लेकिन उसकी योग्य साधना करोगे तो पक्का ऐसा। तो कहीं कहा तो कहीं ना कहीं नहीं, योग्य स्थान तो चाहिए, किंतु योग्य स्थान में योग्य साधना भी पुरुषार्थ भी अपेक्षित है, इसको हम भूल जाते हैं, इसलिए फेल हो जाते हैं। जो अपने संबंधी कोई भी मान लो अच्छे कोई भी ऑफिसर बन गया तो हमारे तो सभी लोग बन जाएंगे, ऐसा नहीं। ये तो जो उसकी साधना करेगा उसी के लिए मिलेगा। तो ये बात अलग है कि अल्पसंख्यक इत्यादि के कारण सभी को बनाते चले जाए आज के भारतीय शासन के अनुसार, लेकिन उसकी कटु आलोचना भी होती होती के लिए बताओ ना। हाँ, इसलिए तो गड़बड़ हो रहा है ना, आप आवाज उठाते नहीं, इसलिए तो ऐसे करती जा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ये सुनने में आता है कि जो व्यक्ति 10 नंबर भी नहीं आता तो भी पास वो पक्का है, और जो 70 भी आ जाता है तो भी उसको मिलेगा नहीं। ये क्या है? ये योग्यता का मूल्यांकन नहीं होने के कारण भारत में इस समय बहुत कटु आलोचना हो रही है। नंबर योग्य नहीं है और उसको भी अच्छे अच्छे पद दिए जाते हैं, अब वो पद के योग्य है क्या नहीं है ये कोई चीज को जानकारी होना चाहिए। हाँ, प्रत्येक को योग्य बनाने का संकल्प तो होना चाहिए, हर एक व्यक्ति बन सके, बनना चाहिए। क्योंकि जैसे अपने यहाँ लिखा है, हर एक व्यक्ति मुक्त हो सकता है, तो मुक्त हो सकता है, लेकिन हमें अल्पसंख्या में ले लो, मुक्त कर दो। कोई भी आएगा, जैसे वहाँ पर आरक्षण के माध्यम से बनता है ना, ऐसे हमारे लिए आशीर्वाद महाराज आप आशीर्वाद दे दो ताकि आरक्षण वहाँ पर भी मिला था यहाँ भी मिल जाए। ऐसी यदि प्रतीक्षा कर रहे हो तो गलत कर रहे हो। हाँ, ऐसा है ही नहीं। आरक्षण के द्वारा पद के योग्य बनता है तो ऐसा नहीं बन सकता। आरक्षण दो, पैसे की भी व्यवस्था करो, आवासीय व्यवस्था भी करो, नहीं समझे, भोजन पानी की व्यवस्था भी समय पर करो, और अच्छे अच्छे गुरुओं को लगाओ, शिक्षकों को लगाओ, पढ़ाओ सिखाओ, योग करो। लेकिन ये बता दो, जितने आप योग्य बनाओगे तो हम बना लेंगे। हम बनाने वाले कौन होते हैं? तुम कलेक्टर बन सकते हो, लेकिन इस प्रकार की योग्य कार्य करोगे ये तो आरक्षण के लोग से जाओगे किसी भी काल से नहीं बन सकोगे। आज डॉक्टर बन गए, मान लो डॉक्टर बन गए, योग्यता नहीं है, आरक्षण के द्वारा बन गए, इंजेक्शन लगाना भी नहीं आता, तो क्या होगा? मरीज चला जाएगा, मरीज ऊपर चला जाएगा, तो ये गड़बड़ है ना। इसलिए तो जो व्यक्ति उसके योग्यता के अनुसार उस आरक्षण का लाभ लेता है और इसके नंबर जो है आ जाते हैं 70-75, ये योग्य बन गए। ऐसे आप गोद में ले सकते हो, सरकार को भी कह दो हमें गोद में दे दो, हम आरक्षण के माध्यम से यानी हम उसको पूरे के पूरे अध्ययन कराएंगे, एक डॉक्टर को बनाएंगे, एक कलेक्टर को बनाएंगे, एक वो ऑफिसर को बनाएंगे, तो ऐसे बना सकते हो। इसमें कोई बात, इसको छात्रवृत्ति बोलते हैं, इसको शुद्ध छात्रवृत्ति होती थी पहले भी आज भी है, लेकिन ये आरक्षण के नाम से
संविधान में सूत्र नहीं होते हुए आगे बढ़ाया जा रहा है। हमने सुना, आपने सुना क्या? तात्कालिक व्यवस्था थी। संविधान में सूत्र तो था नहीं, धारा तो थी नहीं, तात्कालिक ली गई आरक्षण की, किंतु वो बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि हमने सुना, इसलिए कह रहा हूँ, वोटिंग के कारण ये सारा सारा काम हो रहा है। यहाँ पर आकर के सारे सारे एक हो जाते हाँ, इसको इसको भी हाथ नहीं लगा, नहीं समझे, नहीं तो भूचाल हो जाएगा, ऐसे नहीं कुर्सी टेबल मिल जाएगा, काम तो करो। तो कुर्सी पर बैठ रहा था वो ही काम कर सकता, ऐसा तो है नहीं। हाँ जी, ये समझिए, कोई नहीं सिंहासन पर बैठने से ही समाय करेगा तो हमें तो हमेशा सिंहासन पर बैठना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, धरती पर भी बैठ जाए तो समाय कर सकता। इसलिए टेबल पर बैठ करके भी, अरे खड़े खड़े हो करके, जिस प्रकार चुनाव पर यदि कोई खड़े होता, चुनाव के बाद में भी, जीतने के बाद भी 5 साल तक उसको बैठना ही नहीं चाहिए, क्योंकि चुनाव में खड़ा था, जो चुनाव में खड़े होने के कारण सफलता मिली है, तो हमेशा 5 साल तक खड़े ही रहना चाहिए।